नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। PDF यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस वीडियो में मैं आपको पहले वर्ड फाइल है उसको कैसे MS वर्ड का यूज करके कैसे उसे PDF में कन्वर्ट किया जाता है, और बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना किसी सॉफ्टवेयर यानी कि हम वर्ड फाइल को ऑनलाइन PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल लगभग हर जगह PDF का यूज किया जाता है और ऑनलाइन तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। आप कोई भी बुक खरीदें, आपको ऑनलाइन वो PDF डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही मिलेगी, तो PDF का बहुत ज्यादा ही यूज ऑनलाइन किया जाता है। PDF का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर आपके सिस्टम में एडोब रीडर है तो आप उसे आसानी से खोल सकते हैं, और आजकल तो हर PDF फाइल को हम इंटरनेट ब्राउजर में भी खोल सकते हैं, जो आजकल के नए इंटरनेट ब्राउजर है। वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इससे क्या फायदा है और हम PDF का यूज कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई MS वर्ड में आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया और आपको वो फाइल किसी और को देना है और उसके पास MS वर्ड नहीं है, ऐसे में वो आपकी फाइल को नहीं ओपन कर सकते हैं, तो हम उसे उस वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं और वो वहाँ पर आसानी से खुल जाएगी। ऐसे ही अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐसे फॉन्ट है जैसे हिंदी फॉन्ट है या कोई दूसरे फॉन्ट है, वो आपके सिस्टम है पर आप जिसको वो फाइल दे रहे हैं उसके सिस्टम में वो फॉन्ट नहीं है, तो आप उसे PDF फाइल में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वैसे ही खुलेगा, उसके फॉन्ट और इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्त, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हिंदी में सिखाया जाता है, जो कि आपके बहुत ही काम का होता है। आपको सब्सक्राइब करने का ये भी फायदा होगा कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो बिना समय गंवाए अभी तुरंत इस वीडियो के नीचे बने सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पर MS वर्ड में मेरा एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, जो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें इमेज है और कुछ टेक्स्ट है, और इस जो वर्ड फाइल है इसको मैं PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने अपना वर्ड MS वर्ड ऑफिस अभी खोला हुआ है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन होगा, एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर हमें अपने जिस नाम से उस फाइल को सेव करना है वो नाम यहाँ पर डालना है और उसके नीचे सेव एज टाइप लिखा हुआ है, और सेव एज टाइप में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर एक PDF फॉर्मेट भी है, तो हम इस फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर PDF को सिलेक्ट करेंगे और फिर सेव की बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव की बटन पर क्लिक करते ही वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो PDF में सेव हो जाएगा और वो फाइल भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर वो PDF में कन्वर्ट होकर हमारे सामने ओपन हो चुकी है, तो मैं उसे यहाँ पर PDF के रूप में देख सकता हूँ उसी फाइल को। तो दोस्तों, इस तरह से हम MS वर्ड ऑफिस का यूज करके अपनी वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके अपनी जो वर्ड फाइल थी उसको PDF में कन्वर्ट किया। अब हम सीखेंगे कि ऑनलाइन बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन इंटरनेट से अपनी वर्ड फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप अपने इंटरनेट ब्राउजर में गूगल को खोलिए और वहां पर गूगल में आपको सर्च करना है वर्ड टू PDF कन्वर्टर। तो गूगल में आप जाकर ये लिखिए वर्ड टू PDF कन्वर्टर, और आपको वहां पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिनसे आप वर्ड फाइल को PDF में फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका आप यहाँ पर URL देख लीजिए, doc2pdf.com। तो आप इस वेबसाइट को अपने इंटरनेट ब्राउजर में डालकर जा सकते हैं और वहां पर आप सिंपल आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है फ्री वर्ड टू PDF कन्वर्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस वेबसाइट से 25 MB से कम फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप है, हमें अपनी फाइल को ओपन करना है, जिसको हमें जो भी वर्ड फाइल हमें PDF में कन्वर्ट करना है उसको ओपन करने के बाद वो अपने आप कन्वर्ट होने लगेगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा आ रहा है कन्वर्टिंग, और कन्वर्ट होने के बाद आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस बटन पर क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
उसके नीचे यहाँ पर अगर आप उसको अपने ईमेल पर चाहते हैं तो अपना ईमेल डालकर उसको अपने ईमेल पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर अभी मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा और उस फाइल को डाउनलोड करूंगा, अपनी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करूंगा। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा वैसे ही मेरी पीडीएफ फाइल अब डाउनलोड होने लगेगी। डाउनलोड होने के बाद अब हम उस फाइल को यहाँ पर देख सकते हैं और अगर हम उसको ओपन करें तो हम उसे उस पीडीएफ को यहाँ पर ओपन करके भी देख सकते हैं। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट था जिसको मैंने अभी पीडीएफ में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से हम डॉक टू पीडीएफ वेबसाइट का यूज करके अपने वर्ड फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह ये वाली वेबसाइट है, इसका आप यूआरएल यहाँ पर देख लें, वर्ड टू पीडीएफ। तो यहाँ पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो आपको वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर वर्ड और यहाँ पर पीडीएफ कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट योर फाइल, सेलेक्ट योर फाइल पर क्लिक करके हमें जिस फाइल को कन्वर्ट करना है वो फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके नीचे यहाँ पर हम अपना ईमेल डाल देंगे तो हमारी ईमेल पर वो कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगी। और उसके नीचे है कन्वर्ट नाउ, इस पर हम क्लिक करेंगे वैसे ही वो कन्वर्ट होकर हमें हमारे ईमेल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इस वाली वेबसाइट का भी यूज करके किसी भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यहाँ पर वीडियो के नीचे बने इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें।